बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ के न्यू स्लीव डिज़ाइन शेयर करने के लगे हैं। इसके साथ मैंने ये बैक साइड कट कर लिया और इसके ये फोर फ्रंट वाले पीसीज हैं। इनकी लेंथ आप अपने बैक स्लीव्स की लेंथ आप अपने हिसाब से रखते हैं। ये इसलिए इसका बॉर्डर उतरा था, इसके साथ हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। ये मैंने एक लॉन्ग पट्टी लिया है, इसके पीछे मैंने सेम इसी कलर का फैब्रिक लिया है। इसको इस तरह इसके साथ अटैच करेंगे। इसकी लेंथ 3 इंच इसकी लेंथ है और 3 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरह इसको मार्क करके इसको कट कर लेंगे। इस तरह हमने 3 इंच इसकी लंबाई है और 3 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको साइडों से इस तरह मैंने सारी पट्टियां कट कर ली हैं, इसको साइडों से स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद दोनों साइडों से इसको स्टिच करके फ्रंट वाली साइड बिल्कुल ओपन रहने देनी है ताकि हम इन लूप्स को दोबारा से टर्न आउट कर सकें। ये हम एक साइड से स्टिच हो गई। अब नेक्स्ट साइड हम इसके इस तरह स्टिच करेंगे। ये इस तरह ये हमारी नेक्स्ट साइड स्टिच हो गई है। ये अब हम इसको सीधा करके इस तरह प्रेस कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इस पट्टी को डिज़ाइन वाली, ये मेरा बॉर्डर था, इसको मैंने इस तरह डिज़ाइनिंग में यूज़ करना है। आप चाहें तो इस बॉर्डर को बिल्कुल लंबाई वाली लेंथ में भी स्टिच कर सकते हैं। ये मेरी पट्टियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। एक स्लीव में 4-4 पट्टियाँ मैं यूज़ करूँगी। ये जो मैंने लेंथ वाइज कपड़ा कट किया था, अब मैं उसको इस तरह से राइट साइड ही स्लीव की और राइट साइड ही पट्टियों की एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह दरमियानी फासला इसका 1/2 इंच होगा। इस तरह से 1/2 इंच के गैप पे रख के मैं इनको, ये देखें, यहाँ से भी 1/2 इंच और यहाँ से 1 इंच और फ्रंट से भी 1/2 इंच, दरमियान से 1 इंच और फ्रंट और बैक से 1/2 इंच की स्पेस पे मैं इनको कट कर दूँगी। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू या गम ग्लू लगा कर भी इसको स्टिच कर सकते हैं। ये इस तरह मैं इसके ऊपर अटैच कर लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये बना हुआ स्लीव डिज़ाइन बहुत ही नाइस लगता है। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर ये नेक्स्ट जो इसका था पीस वो रख के इस तरह अब मैं इनको भी इसके ऊपर स्टिच कर लूँगी। ये देखें, सेम उसी गैप से यहाँ पे चाहे आप निशान लगा लें, पिन लगा लें, इनको अटैच कर लें, अटैच करके और इनके ऊपर ये स्टिच कर लें। ये देखिए सो गाइस, ये डिज़ाइन बहुत ही नाइस बनता है, पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो गाइस प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपके पास बरवक्त पहुंच सके। अब ये जो पट्टी है इसके ऊपर मैं ये इसका कपड़ा दूसरी साइड पे फोल्ड करके इसके ऊपर पक्की सिलाई करने लगी हूँ एक पाँव की। दूसरी साइड पे भी इसी तरह मैं सिलाई पक्की कर लूँगी। ये ध्यान रखिएगा कि जिस फैब्रिक पे हमने स्टिच किया है वो फैब्रिक दूसरी वाली साइड पे टर्न करके इसको स्टिच कर लें।
ये हमारा बिल्कुल पक्का हो गया। अब वो नीचे से जो कपड़ा है ना बिल्कुल इधर उधर हिले जुलेगा नहीं। ये मैंने, ये भी मेरा एक साइड से बॉर्डर उतरा था, इसको मैंने आगे से फोल्ड कर लिया और अब मैं इसकी फ्रिल्स ही बना के स्लीव्स के फ्रंट पे अटैच करने लगी हूँ। ये देखें इस तरह से चुनट डाल डाल कर। मैंने वीडियो की स्पीड बिल्कुल भी तेज़ नहीं की ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ये हमारी फ्रिल बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए व्यूअर्स इस तरह से। अब ये जो फ्रिल के गैप वाला एरिया था ना, उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको मैं बिल्कुल फ्रिल वाली साइड पे टर्न आउट करके उसके ऊपर एक पाँव की सिलाई लगाऊंगी। ये देखें इस तरह, ये मेरी एक पाँव की सिलाई लग रही है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो गैप वाली साइड पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। इस तरह से। सो गाइस, कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड अगर आप कोई भी वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके लिए और नई वीडियो लेकर आ सकूं। और प्लीज़ अपना राय में, अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो में क्या खामी है और मैं नेक्स्ट टाइम अच्छी वीडियो लेकर आपके लिए आ सकूं। और ये बैक साइड का जो स्लीव कट था, अब मैं उसको फ्रंट साइड के स्लीव से जो मैंने डिज़ाइन किया उसके साथ अटैच कर दूंगी इस तरह से। फ्रंट साइड को अंदर वाली साइड पे रख के, दोनों की फ्रंट साइड को एक दूसरे के ऊपर रख के स्टिच कर दूंगी इस तरह से। उल्टी साइड ऊपर रखेंगे और सीधी साइड बाजू वाली साइड पे टर्न आउट कर देंगे। ये देखें इस तरह से, ये हमारा स्टिच हो गया है। ये दोनों हमने ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम इसे कट करके और इसको भी टर्न आउट करके इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, मैं साथ साथ इसको पक्का इसलिए किए जा रही हूँ ताकि वो जो अक्सर, ये देखें ये इधर से गैप वाला स्लीव है ना, तो फिर दूसरी साइड से वो जो नज़र आते हैं ना धागे या एक्स्ट्रा फैब्रिक, तो वो बहुत ही बुरा लगता है। ये देखें मैंने इसको इस तरह करके अब फिर इसके ऊपर एक पाँव के स्टिच लगा रही हूँ इस तरह से। अब वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बिल्कुल भी दूसरी साइड पे टर्न नहीं होगा और उसी के साथ ही ज्वाइन हुआ रहेगा। ये हमारा स्लीव रेडी हो गया। अब भी हम ये पढ़ लेंगे, पिंक कलर के मैंने पढ़ लिए हैं। ये निडल और थ्रेड है। अब मैं इनकी इस तरह से बटरफ्लाई सी बनाऊंगी। ये मैंने इसको थ्रेड को ले लिया है। अब मैं इसको ऐसे छोटे छोटे से टांके उठाऊंगी, उठा के और इनको इस तरह से ऐसे इसको इसमें पर्ल डालूंगी। अब फिर थ्रेड और नेडल को उधर से ही गुजारूंगी जहां से मैंने छोटे छोटे टांके लिए थे ताकि ये पक्का हो जाए। ये देखें फिर पर्ल में से नेडल को गुजारा ताकि ये पक्का हो जाए।
और इसके गिरा मैं बैक साइड पे लगाऊंगी ताकि ऊपर से कोई भी बुरी धागा वगैरह नज़र ना आए। ये देखें, अब बैक साइड से मैं इसको सारी वो चुनर्स को पक्का कर दूंगी ऐसे गिरा लगा कर। मेरी चुनट पक्की हो गई है। सो गाइस, ये डिज़ाइन बना हुआ बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें। सो गाइस, अल्लाह हाफिज़। ये डिज़ाइन हमारा बन गया है। ये देखें, ये पहना हुआ इस तरह की लुक देगा। मेरे तो अभी स्लीव्स का बाजू है ना, इस तरह से बड़ा अच्छा लगे।